दोस्तों, इस तरह के स्टेनलेस स्टील गेट आपने मार्केट में बहुत सारे देखे होंगे, जो आपको इस तरह से देखने को मिलते होंगे, जो कि कलर बोर्ड लगे होते हैं पीछे से और यहाँ पे स्टील का पूरा काम किया हुआ रहता है। तो इस तरह के स्टील गेट में आखिर कितना खर्च आ जाता है, बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका प्राइस बताऊँगा और साथ ही साथ बताऊँगा कि आपको कैसे इसको लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर दूँ कि स्टील दो क्वालिटी के होते हैं, एक 304 का, एक 202 ग्रेड का। तो आप अगर दोनों में अलग अलग प्राइस होता है, तो आप अगर घर के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो 202 भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर बारिश पानी का एरिया है तो आप 304 ग्रेड का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्राइस निकालने के लिए इसको वज़न करेंगे, और वज़न करके इसका देखेंगे कि इसका वेट कितना है, क्योंकि जो इसका प्राइस होता है ये वज़न के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर ये काटा पे मैंने चढ़ा दिया है, तो यहाँ पर इसका जो वज़न आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 59 kg के आसपास यहाँ पर वज़न आया है। तो 59 kg, यहाँ पर 450 ग्राम, अप्रोक्स 60 किलो आप मान सकते हैं। तो इस तरह के स्टेनलेस स्टील के जो गेट होते हैं, तो इसका वज़न जो 60 kg आया है, तो यहाँ पे बता दो कि ये 18 गेज पाइप में बना हुआ है। तो इसका जो थिकनेस होता है गेज, अगर पतला पाइप का होगा तो हल्का होगा, और मोटा पाइप का होगा तो भारी होगा, इस तरह से इसका थिकनेस होता है। तो यहाँ पे बता दो कि 18 गेज में ये बना हुआ है। तो आखिर इसका प्राइस कितना होगा, तो चलिए अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ये 304 ग्रेड का अगर स्टील का होगा, तो उसका जो प्राइस होगा वो 450 से 500 रुपये किलो के हिसाब से आता है, और अगर 202 ग्रेड का होगा तो वो 350 से 450 के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से और भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे आप देख, और अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे एंड में एक वीडियो शो कर रहा है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, इसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है इसके बारे में।